Everybody get your hands up. आज हम लोग दुबई मॉल जा रहे हैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम लोग पुराने एमिरेट्स रोड से गुजर रहे हैं, जिसको शेख मोहम्मद बिन जैद रोड भी बोलते हैं। इस रोड की भी एक हिस्ट्री है, मतलब अगर हम लोग अभी यहाँ से दुबई से अगर हम लोग गुजर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये रोड अगर हम लोग सीधा जाते हैं तो ये अलैन को भी कनेक्ट होता है और अबू धाबी को भी कनेक्ट करता है। अगर आप बैकवर्ड में अगर हम लोग जाना चाहें तो ये बाकी की स्टेट्स को भी जो है वो मिलाता है, जैसा कि रसूल खैमा और जैद को और फुजैरा को। तो ये रोड नॉर्मली जो है, एक ये पुराना एमिरेट्स रोड है और एक अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है वो न्यू एमिरेट्स रोड। तो अभी हम लोग पुराने एमिरेट्स रोड से जा रहे हैं। ट्रैफिक इस टाइम फुल रवा दवा है, बिकॉज आज फ्राइडे है और तो सब लोग ही घरों से निकले हुए हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग नॉर्मल डेज में इस रोड को यूज़ करते हैं तो 5 बजे के बाद यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक आपको मिलेगी। इस ब्रिज के बाद व्यूअर्स, मैं ये दुबई में एंटर हो चुका हूँ। अब एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग टूवर्ड्स दुबई हैं इस रोड से, तो इस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो मैक्सिमम 130 है। अगर आप 131 पे जाएंगे तो रडार आपको पड़ सकता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो कि खुशाइन बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद से आप देख सकते हैं कि दुबई में जो लाइफ है वो रवा दवा है। मतलब बहुत से लोग जो जिन लोगों के काम पेंडिंग थे, अब लोग मतलब फ्रीली अपना बाहर आ जा सकते हैं। सो गाइस, आप सामने देख सकते हैं बुर्ज खलीफा को। तो हम अपने मंजिल की तरफ बिल्कुल करीब ही हैं। मॉल के अंदर से यहाँ पे आपको हर किस्म का ब्रांड भी मिलेगा। मोर ओवर यहाँ पे आपको शनैल है, वैलेंटिनो है और गुची है, मतलब हर किस्म का ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस टाइम मैं मॉल के अंदर हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही हो।
मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मॉल में जितने लोग भी आए हुए हैं, एक तो सब ने मास्क लगाया और दूसरा माशाल्लाह काफ़ी गहमा गहमी भी है यहाँ पे। मतलब एक तो आज फ्राइडे है, यहाँ पे ऑफ है, हर कोई आया हुआ है और काफ़ी लोग हैं। गुड, देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। फेमस भी है कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर नेशनैलिटी का जो बंदा है वो देखने को मिलेगा। मेंशन कर दूं, यहाँ पे सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टे सेफ 1 person per square के ब्लॉक्स भी बनाए हुए हैं, जिसमें ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मेंटेन किया जा सके। आज जैसा कि आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में, अजान मगरिब दुबई मॉल में सुनाई जा रही है, तो जो कि एक इस्लामिक ममालिक होने का अपना मुंह बोलता सबूत भी है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पिछले 1 या 1.5 घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं। ये वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है वो डिक्लेयर हुआ है, तो आप जितना भी मतलब यहाँ पे आप घूम लें, आपको जितना भी टाइम लग जाए, ये मॉल ख़त्म नहीं होने वाला। ये इतना बड़ा मॉल है और मॉल को विज़िट करते करते हमें बड़ी भूख लग गई है। तो यहाँ पे जब लेट्स सपोज अगर आप एज अ विज़िट पे आए हैं, तो एक चीज़ ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का एक ये ख्वाब भी होता है कि जब वो दुबई आते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि
सबसे पहले उन्होंने दुबई मॉल आना है या फिर बुर्ज खलीफा विजिट करना है। आ चुके हैं अपना व्लॉग कंप्लीट करके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफिज़।